गुरुग्राम समेत आज पूरे हरियाणा में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों की याद में 59वां शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव की अगुवाई में पुलिस लाइन गुरुग्राम में स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीद परिवारों को भी पुलिस कमिश्नर ने सम्मानित किया। जो पुलिस के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर जो जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर के दिन लद्दाख के अंदर भारतीय सेना पुलिस की टीम, जिसमें करम सिंह डीएसपी और 20 पुलिस कर्मचारी जो कि चीन सेना के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। पुलिस कमिश्नर की माने तो एक साल में करीब 414 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 59 साल में ये आंकड़ा 32,000 के पार है। इस तरह के कार्यक्रम में शहीद के परिवार वालों को सम्मानित कर जवानों का हौसला अफजाई भी किया गया। 411 जवान थे जो लास्ट एक साल के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए टोटल जो है 32,299 पुलिस कर्मचारी जो कि 59 ईयर्स के अंदर शहीद हुए हैं। हरियाणा से दो ही हैं, यानी हरियाणा से तो काफी हैं, बट जो गुड़गांव में है वो दो ही परिवार थे। शहीदी दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में ही पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुलिस कर्मियों को मास्क भी बांटे गए। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में उप पुलिस अधीक्षक करम सिंह और उनके 20 सिपाहियों पर चीनी सेना ने हमला किया था, जिसमें 10 पुलिस जवान शहीद हुए थे। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शहीद हुए अदम्य साहसी जवानों के सम्मान में 21 अक्टूबर को भारतीय पुलिस बल शहीदी दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से हर साल ये पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है और इस दिन पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस के शहीद जवानों को याद कर उनसे प्रेरणा ली जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सुशील सिंह, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम।